हे गाइज, दिस इज सोनू कुमार 2.0 एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को दो ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप गेमिंग वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हो और साथ ही साथ उसमें आप वॉइस रिकॉर्ड के साथ इंटरनल ऑडियो भी, यानी कि गेम का जो इंटरनल साउंड होता है उसे भी आप साथ ही साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहो एंड तक। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सिंपली से आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल, अगर आप अपना मोबाइल जो है वो न्यू लिए होंगे तो आपके मोबाइल में ही एक स्क्रीन रिकॉर्डर अवेलेबल होगा। लोकेशन बार में आ जाना है और यहाँ पे आपको इस तरह से नीचे आना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाता है, हमको सिंपली से इस पर होल्ड किए हुए रखना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन में ही एक अच्छा खासा स्क्रीन रिकॉर्ड मिल जाता है जो कि मैं खुद यूज करता हूँ। जी हाँ फ्रेंड, मैं अपना मोबाइल का ही स्क्रीन रिकॉर्ड यूज करता हूँ, मैं इसके अलावा दूसरा कोई स्क्रीन रिकॉर्डर यूज नहीं करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, अभी सिर्फ माइक्रोफोन का साउंड जो है वो मेरा ऑन है, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ अभी यही रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं रिकॉर्ड सिस्टम साउंड ये भी ऑन कर देता हूँ तो इसके इंटरनल साउंड, यानी कि मैं जब गेमिंग का वीडियो बनाऊँगा तो मेरा रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड और रिकॉर्ड सिस्टम साउंड दोनों अगर ऑन रहेगा तो मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड होगा प्लस जो इंटरनल साउंड है गेम का वो भी रिकॉर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको दूसरे ऐप के बारे में बताता हूँ। तो उसके लिए सिंपली से आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है स्क्रीन रिकॉर्डर। उसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड नंबर में आप देख सकते हैं ये रहा स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो रिकॉर्डर एक्स रिकॉर्डर, यानी कि एक एक्स रिकॉर्डर नाम से एक स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाएगा। आपको सिंपली से इसे डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसे ओपन कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर एलो कर देना है। एलो करने के बाद आपको यहाँ पर एक्स रिकॉर्डर ढूंढ के इसको एलो कर देना है, फिर बैक आ जाना है सिंपली से। उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ एलो कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग्स को देखना है कि क्या क्या सेटिंग्स इसमें आपको करनी है। तो सेटिंग्स के ऊपर आ जाना है। सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरनल एंड माइक्रोफोन आपको इस पर सेलेक्ट कर देना है, अगर आप अपना वॉइस और इंटरनल दोनों रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो। और अगर आपको सिर्फ इंटरनल ऑडियो चाहिए तो सिर्फ इंटरनल ऑडियो पे रख सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ माइक का चाहिए तो माइक पे रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों पे रख देते हैं। उसके बाद आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 1080p पे रख देना है। उसके बाद क्वालिटी ऑटो ही रहने देना है, FPS भी ऑटो रहने देना है। बाकी यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि काउंट डाउन बिफोर स्टार्ट, अगर आप टाइमर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं और ऑफ भी से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, अगर आप इसे ऑन कर दीजिएगा और अब अगर आपका मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन है और आप अपने मोबाइल को सेक कीजिएगा तो आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो बंद हो जाएगा, तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा, अगर आप इसे ऑन कर दीजिएगा तो इसे ऑन करने से क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसे ऑन कर दे रहे हैं, उसके बाद एलो कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं कि मेरा जो कैमरा है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसे आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आप गेमिंग वीडियो बना रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि बगल में कैमरा भी मेरा शो करे, मैं अपना फेस भी दिखाऊँ, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्रश का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको ऑन कर दीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ब्रश का ऑप्शन मिल जा रहा है, आप इस पर अगर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद अब अगर तीर ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस पर आप सेलेक्ट करिए और एरो आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। अगर आप स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं तो स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको इरेज भी कर सकते हैं इस टाइप से। और यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे, कलर भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। और आप देख सकते हैं अगर आप कुछ इरेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं, आपको यहाँ पे भरपूर ऑप्शन मिल जा रहे हैं। शो टच अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये दोनों जो मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताया, दोनों ही बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है, आप दोनों को ही यूज कीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।